सो फ्रेंड जो मेन ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा Realme 3 Pro 5 के लिए भी Realme UI का लेटेस्ट अपडेट 3.07 फाइनली रोल आउट कर देगा Realme की तरफ। लेकिन फायदा आपको ये नहीं पता होगा ये अपडेट आपके फोन में कब तक रिव्यू होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम फोन पे अभी तक 3.06 वाला लेटेस्ट वर्जन रन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो थोड़ा हम बात करने वाले हैं 3.07 आपके फोन में कब तक रिव्यू होने वाला है या फिर इसका मैनुअल लिंक कब तक अवेलेबल हो जाएगा Realme के अपडेट वाली फैट पे। तो दोस्तों वीडियो के इन तक वॉच की जगह जैसे आपको पूरी की पूरी कंफर्म डिटेल्स मिलती रहे। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट के न्यूज सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली 3.07 वाला अपडेट रोल आउट कर दिया गया Realme 3 Pro 5 के लिए जिसका 5494 MB का है। एंड यहाँ पर अपडेट लॉग हम चेक करेंगे भैया जी, यहाँ पर आपको जुलाई 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिल जाता है। एंड यहाँ पर Realme लैब में एडेड द स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर, मतलब Realme लैब में ऐड किया गया है। तो समझ सकते हैं आप एक बीटा अपडेट है, यहाँ पर आप Realme लैब में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपको डुअल मोड म्यूजिक शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कभी बीटा अपडेट है, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट में रन करने के बाद मतलब आगे चल के जो भी अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो यहाँ पर डुअल मोड शेयरिंग म्यूजिक का ऑप्शन Realme लैब पे हटा दिया जाएगा। जैसे आपका डार्क मोड, मतलब डार्क मोड आपका अब ऑफिशियल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, पहले ये बीटा अपडेट था इसीलिए यहाँ पर हटा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये फीचर आपको अपडेट करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉलिंग फीचर वाला ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो 90Hz वाली बात हो रही थी कि आपका फ़ोन अपडेट करने के बाद 90Hz जो हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग फीचर जो होता है हमारे फ़ोन में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी स्क्रॉलिंग करते हैं यहाँ पर वो सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया जाने वाला है, ऐसे कुछ नहीं। एंड यहाँ पर आपको सेटिंग में एडेड मल्टी यूजर फीचर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मेन मतलब ये है कि भाई हम अपने फ़ोन को जब किसी बंदे को देते हैं हमारे फ़ोन का डाटा थोड़ा प्राइवेसी में रखना होता है, क्योंकि वो बंदा क्या देखेगा क्या नहीं। तो हमारे फ़ोन में ये फीचर अवेलेबल होने के बाद हम उस फीचर को ऑन कर देंगे तो भैया जी हमारे फ़ोन में पूरा मतलब आप समझ सकते हैं फ़ोन रिफिट हो चुका है, आपके फ़ोन में कुछ भी फ़ोन नहीं करेगा, मतलब आपका फ़ोन पूरा ब्लैंक फो करेगा उस बंदे को। तो ये फीचर आपके फ़ोन में अवेलेबल हो जाएगा 3.07 वाले अपडेट के बाद। एंड यहाँ पर रिकॉर्डिंग में तो फर्जी जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर इस फीचर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देगा, मतलब आपने फ़ोन में जब रिकॉर्डिंग वाला फीचर अपने फ़ोन में अप्लाई करेंगे मतलब जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका थोड़ा सा हाई रिजोल्यूशन में या फिर थोड़ा HD क्वालिटी में ये रिकॉर्डिंग होने वाला है, मतलब पहले से काफ़ी बेहतर होगा। एंड सिस्टम में आपको ट्रांसफ्रेट वाइप बैक जेस्टर यहाँ पर जो हम कुछ यूज करते हैं ये सब यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज किया गया। एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, वही सब है फम नॉन बग इश्यू वगैरह। एंड यहाँ पर एक बात है मैनुअल लिंक कब तक अवेलेबल होगा, तो भैया जी मैनुअल लिंक आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर कहीं कहीं पे 1851 का जो मॉडल है मतलब हमारे Realme 3 Pro का, एंड यहाँ पर आपको एक फाइल मिल रही है 3.15 GB का। तो भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 जुलाई को अपडेट डाउनलोड किया गया था, आज हो चुका है 31 जुलाई। तो आप ऐसा गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पर कोई सा कुछ नहीं होता, ये अपडेट आप डाउनलोड कर लेंगे 3 GB आपका ख़राब हो जाएगा एंड आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अपडेट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल भी नहीं होगा, तो इसके चक्कर में आप मत पड़िए जब तक आपको मतलब यहाँ पर आपको अवेलेबल ना किया जाए मतलब Realme का अपडेट वाली फाइट पर, तभी आप डाउनलोड कीजिएगा, मतलब यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप कहीं से भी डाउनलोड मत कीजिए, OTA का वेट करिए या फिर आपको यहाँ पर वेट करना होगा। एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में आने के बाद आपको 3.06 लेटेस्ट वर्जन रन कर रहा है। तो भैया जी ये अपडेट आपके फ़ोन में कब तक मिलने वाला है, बात करते हैं भाई अबाउट फोन में आने के बाद आपको MEI नंबर जो मिलता है, MEI नंबर के थ्रू आपके फ़ोन में अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट आने में थोड़ा सा समय इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो उनकी लिस्ट होती है जब सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करते हैं Realme की तरफ से, तो यहाँ पर कुछ जितने भी MEI नंबर के लिस्ट होते हैं मतलब जितने भी फोन्स बने हैं उन MEI नंबर के, तो यहाँ पर कुछ बैचेस वाइज सेलेक्ट करके प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो अपडेट ये प्रोवाइड हो रहा है सबसे पहले 5% यूजर को मिलेगा, उसके बाद 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पर जब आपका MEI नंबर उनके लिस्ट में आएगा तो आपके फ़ोन में ये अपडेट अवेलेबल हो जाएगा, मे बी ये फर्स्ट वीक में आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में ये अपडेट आपको रिफ्यू हो जाएगा आपके फ़ोन में। हमारे ख्याल से अगर आप मेरा ओपिनियन फेयर करना है मतलब भाई अपना ओपिनियन दूँ आपको, तो भैया जी आप OTA का वेट करेंगे, दैट्स गुड। तो दोस्तों मैं भी अपने फ़ोन को OTA से अपडेट करता हूँ, मैनुअल लिंक फिर तो यार कभी नहीं किया, मतलब कभी ज़्यादा दिक्कत होती है तभी करता हूँ। तो दोस्तों ड्रिफ्ट एंड यार बहुत सारा थैंक मे भी अगर आप OTA से करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, अगर आपको करना है तो मैनुअल लिंक भी कर सकते हैं, हालांकि जब तक Realme की अपडेट वाली फाइट पे अवेलेबल ना हो अपडेट तब तक मत कीजिएगा। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के थ्रू। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो आपको बताया जब तक Realme की अपडेट वाली फाइट पे अपडेट अवेलेबल ना हो तब तक आप मैनुअल लिंक पे अपडेट डाउनलोड करने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा फिर भैया जी आप समझें
उसके आगे मैंने जाना था फ्रेंड दैट्स इट यार बहुत सारा थैंक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर देना जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी बंदों को पहुंच सके एंड फ्रेंड प्यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है अगर आपको अच्छा लगेगा और वैसे भी आप लोग यार इतना सपोर्ट करते हो इतना प्यार करते हो ना मुझे यार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. Just too old.